चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी में जाने वाले नेताओं को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं उनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, सत्ता और कुर्सी के भूखे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से लगातार कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं, भाजपा की सदस्यता ले ली है, और भी अटकलें ऐसे लगाई जा रही कि कांग्रेस के ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो कि भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं। अब इसी को लेकर अब दिग्विजय सिंह ने तमाम जो कांग्रेस नेता भाजपा में चले गए उनको लेकर पलटवार किया और ये कहा कि जो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं उनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है और सत्ता और कुर्सी के जो भूखे लोग हैं वही कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर जी जी उसका इंतजार करिए सर। कई कांग्रेसी लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आज भी शामिल हो गए हैं। जो हो रहे हैं उनका विचारधारा से कोई लेने देना नहीं है, कुर्सी के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं, वही लोग जा रहे हैं। बड़ी बैठक है सर लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर।